सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रकट करती है, एक अच्छे रूप में जिसका फल विद्रूप होता है, एक अच्छे रूप में जिसका फल स्वरूप होता है। अब वो अच्छा और बुरा फल के ऊपर आधारित है। जिसे दुनिया अच्छा कह रही है, यदि उसका फल विद्रूप है तो वो अच्छा नहीं हो सकता है, बुरा ही है। और जिसका फल सद्रूप होता है वह अच्छा ही माना जाता है। जब दो रूप हमारे प्रकृति में देखने में आए, जो दुनिया में कुछ ऐसे बुरे कार्य हैं, लेकिन वो कार्य हैं, लेकिन सदा से बुरे थे, हैं और रहेंगे। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सदा से अच्छे थे, हैं और रहेंगे। कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्वयं को भी बुरे हैं, फिर भी व्यक्ति छोड़ता नहीं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन स्वयं करने का मन नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ये निर्णय करना है पहले कि हम बुरे कार्य करें अपनी जिंदगी में या अच्छे कार्य करें। पहले सबसे पहले वह बुरे कार्य छोड़ो, उन बुरे कार्यों पर विचार करो जिनको तुम खुद बुरा मानते हो। तुम खुद स्वीकार करते हो कि ये बुरा है, जिसको तुम जान चुके हो कि ये बुरा है, तुम्हारे ज्ञान का विषय बन चुका है कि तुम बुरा बुरा है, अनुभव में भी आ गया है। हम इस दुनिया में कैसे जिए, कैसे जिए कि हमें कभी रोना नहीं पड़े, कैसे जिए जहाँ कहीं हम आगे कदम बढ़ाएं तो पीछे ना आना पड़े, कैसे जिए कि हमारा कभी डाउनफॉल ना हो। सब तरफ से मेरा ऐसा अच्छे देश में जन्म हुआ है, इससे कोई गंदे देश में मेरा जन्म ना हो। मेरी अच्छी जाति में जन्म लिया है, मेरा जन्म निंदनीय जाति में ना हो। मेरा अच्छे कुल में जन्म हुआ है, बुरे कुल में मेरा जन्म ना हो। मेरा मन बहुत अच्छा है, ये कभी बुरा ना हो। मेरी आँखें बहुत अच्छी हैं, ये कभी बुरी ना हो, गंदी ना हो। मेरे कान बहुत अच्छे हैं, कभी गंदे ना हो। मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, कभी गंदे ना हो। मेरी जिंदगी का रोम रोम बहुत अच्छा है,
ये कभी गंदा ना हो। क्योंकि अपन डिस्कशन वह कर रहे हैं कि उत्थान के बाद पतन खतरनाक होता है। गरीबी के बाद अमीरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीरी से गरीबी आना बहुत खतरनाक है। स्वस्थ व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो जाता है तो बहुत खतरा हो जाता है, अस्वस्थ स्वस्थ होता है तो कोई बात, बेइज्जती वाले को इज्जत मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इज्जत वाले की बेइज्जती होती है तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक व्यक्ति की इज्जत है ही नहीं, वो बेइज्जत ही है, उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क उसको पड़ता है जिसकी इज्जत थी और बेइज्जती हो गई, जिसका नाम ऊंचा था और आज वो धूल में मिल गया, जिसको लोग आदर्श मानते थे आज उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, जिसके घर में धन फावड़े से उड़ीचा जाता था आज उसके पास लोहे का फावड़ा बचा है मात्र। धन कितना था फावड़े से उठाते थे और आज क्या बचा उसके पास? फावड़ा, वो भी उसका नहीं है, वो भी मालिक का है। मजदूरों के पास जो गहती फावड़ा होते वो किसके होते हैं? फावड़ा भी स्वयं का नहीं है, ऐसी गहती भी स्वयं का नहीं है, तसला भी स्वयं का नहीं है। क्या है ये जिंदगी? कैसी जिंदगी है? ऐसा क्यों होता है? ये कहाँ हम सावधानी रखें? हम उनके लिए अभी उपदेश नहीं दे रहे हैं कि गरीब अमीर कैसे होगा। मैं सबसे पहले उनकी चिंता करता हूँ जो अमीर है कि गरीब ना हो जाए। परसों अपन ने सोचा था कि एक मर रहा है और एक जीवित है, एक जीवित है और एक शेर के मुंह में है, तो जो बच रहा है उसको बचाऊं या जो मर ही रहा है उसको बचाऊं? जो बच रहा है उसको बचाओ। हमारी सारी एनर्जी उधर चली जाती है गरीबों में। ये जितने सुधारवादी होते ना कम्युनिस्ट, ये कहते गरीबों को सुधारो, अमीरों से घृणा करते, अमीर की कोई सुरक्षा नहीं है। उनका सिद्धांत है अमीर को लूटने दो, पिटने दो, मरने दो, अमीरों को कोई चिंता मत करो। गरीबों की लाइन कभी खत्म नहीं होगी। फिर गरीबी इस दुनिया से जाने से, जिस जिस व्यक्ति ने अमीरों की उपेक्षा की, मैं बहुत बार कहता हूं, जिस जब जब तुम्हें अमीर के प्रति बुरा भाव आया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में गरीबी कभी दूर नहीं होगी। जो राजा अमीरों से घृणा करता, अमीरों की उपेक्षा करता है, वह देश कभी समृद्ध नहीं बन सकता। आपने देखा होगा पुराने शहरों में जाके देखो, राजा लोग अमीरों को नगर के मध्य में बसाते थे, सुरक्षित, किले के अंदर बसाते थे, सुरक्षित। अमीर सुरक्षित है तो गरीब सुरक्षित है, अमीर असुरक्षित है गरीब तो असुरक्षित था ही, अमीर सुरक्षित है गरीबों को कुछ अच्छे दिन आ सकते हैं, अमीर खत्म हो जाएगा गरीब दुखी था दुखी रहेगा। दो दुखी मिलकर के कभी, हजार दुखी मिलकर के कभी दुख दूर नहीं कर पाएंगे, और हजार दुखियों में यदि एक सुखी व्यक्ति मिल जाए तो शायद वो हजार का दुख दूर कर दे। हजार गरीब मिलकर के गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे, एक अमीर यदि उसका दिमाग बदल जाए तो हजारों गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी। एक अमीर का दिमाग बदल रहा, अमीर जिंदा रहना चाहिए,
अमीर जिंदा रहना चाहिए, अमीर जिंदा है बस उसको बदलो, गरीबों को बदलने में समय खराब मत करो। सही यदि गरीबों के तो मसीहा हो, सही गरीबों पर दया करते हो तो दुनिया में अमीरों को जिंदा रखना, हमेशा जिंदा रखना। दुखियों को दुख दूर करना चाहते हो तो सुखी आदमियों को जिंदा रखना। मूर्खों को यदि ज्ञानी बनाना चाहते हो तो ज्ञानियों की सुरक्षा करो, ज्ञानी सुरक्षित रहेगा, हजार मूर्खों को वो ज्ञानी बना देगा। और ज्ञानी मिट गया और हजार नहीं 1,00,000 मूर्ख आ जाए क्या होगा? मूर्ख मूर्खों को। गरीबी जिंदा रहने से देश नहीं बचेगा, अमीर जिंदा रहने से देश बचेगा। अमीरों की जिंदा करो। गुजरात में जब मैं गया, सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती, अमीरों को ध्यान देती, अमीरों को खूब लोन दो, अमीरों को बुलाती आओ मेरे देश में। और इतने अमीर बढ़ाए वहां पर, इतने अमीर बढ़ाए कि अब वहां कोई गरीब रहा ही नहीं। अमीरों की फैक्ट्री है बड़ी 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 बड़ी, इतनी फैक्ट्री है वहां, इतने बड़े अमीर लोग हैं, दो दो तीन तीन किलोमीटर, चार चार पांच पांच किलोमीटर में फैक्ट्री है। वहां सड़कों के किनारे जितने देखो अमीर ही अमीर दिखते हैं। मैंने कहा गरीब कहाँ है? बोले यहां कोई गरीब है ही नहीं, क्योंकि यहां अमीरों की रक्षा की जाती है, अमीरों को सुरक्षा दी जाती है, अमीरों को सुविधाएं दी जाती हैं। बस वह अमीर, एक अमीर एक फैक्ट्री खोलेगा, 5,000 मजदूरों को मजदूरी मिल जाएगी, 5,000 को रोटी मिल गई, और 5,000 गरीब मिलकर के कितनों को रोटी दे देते। ये अर्थशास्त्र का एक ऐसा सिद्धांत है जैसे जैन दर्शन ने शुरुआत की थी। जैन दर्शन ने एक ही बात कही, तुम दुखियों के आंसुओं की तरफ मत देखो, तुम देखो इस सभा में सुखी कौन है। दुखियों की तरफ मत देखो, सुखी व्यक्ति देखो कौन है, बस उस पर दृष्टि टिका लो, उस पर अपनी ताकत लगा दो, उसकी जिंदगी बदल दो, उसका मानस बदल दो, वो सारे दुखियों के दुख दूर कर देगा, क्योंकि वो सुखी है, क्योंकि वो सुखी है। हम बताते हैं ना कई बार, और कम्युनिस्टों ने कहा अमीर को लूट लो, अमीरों को लूट लो, गरीब दौड़ पड़े। लोगों ने समझा ये गरीबों का मसीहा है, गरीबों में एक इतनी बड़ी मूर्खता होती है। खैर वो गरीबी इसलिए है कि मूर्ख है, गरीब व्यक्ति बहुत मूर्ख होते हैं, बहुत मूर्ख होते हैं, इतने जो चाहे कोई भी व्यक्ति इनको बुद्धू बना देता है, बस इनको थोड़ा सा कह दो हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब से कह दे यदि कोई व्यक्ति मैं तुम्हारी जुम्मे, तुम अमीरों को लूट लो, गरीब उसको मसीहा मान लेते हैं। गरीब कहते ये व्यक्ति सही है अमीरों को लूटने की, क्योंकि गरीब तो वैसे ही भरे हुए थे, और नेता और मिल जाए, लोग दौड़ पड़े अमीरों की बस्तियों में, और अमीरों की बस्ती में अमीर तो अमीर है। उसने एक फोन किया, ऊपर सैकड़ों पुलिस वाले आए, और जो डंडे बरसाए तो पेट में तो खाली था ही, पीठ भी चोटिल हो गई। अमीर से कभी टकराना नहीं, पुण्यवान से कभी टकराना नहीं, अपने से बड़े से कभी टकराना नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो महानुभाव, ये एक मोटिवेशन अपनी जिंदगी में दिमाग में रख लो। कोई भी व्यक्ति तुम्हें किसी भी क्षेत्र में तुमसे बड़ा हो उससे टकराना नहीं, उम्र में बड़ा हो तो नहीं टकराना,
धन में बड़ा हो तो मत टकराना, अकल में बड़ा हो तो मत टकराना, बुद्धि में बड़ा हो तो मत टकराना। बस एक ही बात देख लो, जो हमसे किसी क्षेत्र में बड़ा है उससे टकराना नहीं, नहीं तो चूर चूर हो जाओगे, क्योंकि वो बड़ा है, टकराना नहीं। तुमसे जो बड़ा है उसकी कभी उपेक्षा मत करना, यदि नाराज हो जाएगा तो बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली, कभी नहीं टकराना। तुम्हें मालूम है कि शक्तिशाली है, गुंडा है, उसकी उपेक्षा मत करना, नाराज होके तुम्हें बर्बाद कर देगा, टकराना नहीं। सड़क पे चल रहे हो, तुम्हारी गाड़ी छोटी है, पीछे गाड़ी आ रही है, हैकड़ी मत दिखाना, साइड से हो जाओ, क्योंकि पीछे कौन सी गाड़ी है। यदि बड़ी गाड़ी से तुमने हैकड़ी दिखाई, एक टल्ला लगना है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम खंती में पड़े दिखाओगे। इसलिए छोटे को हमेशा साइड में चलना चाहिए, सड़क का नियम है, कानून है। बड़ा जो वाहन वाला है वो बीच में चलेगा, छोटा वाहन पैदल वाला और साइड में, ये सिद्धांत है। और वहां तुमने यदि डिस्टर्ब किया तो एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना कोई टल्ला मार देगा। यही स्थिति सारी दुनिया की है कि जो हमसे बड़े हैं उनकी उपेक्षा नहीं करना। धर्म क्षेत्र कहता है जो हमसे बड़े हैं, बैठने के पहले थोड़ा पीछे देख लिया करो, कहीं तुमसे बड़ा आदमी पीछे तो नहीं बैठा है, क्योंकि बड़े आदमी को पीठ दिखाना अपनी दरिद्रता की निशानी है, बर्बादी की निशानी है। अब शगुन है, अपन से बड़ा कोई व्यक्ति पीछे बैठा है, किसी भी अपेक्षा में पीछे हो, थोड़ा उसको आगे कर लो। जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो, उसको कभी पीठ मत दिखाना। रिपीट करता हूँ, जो तुम्हारे पास नहीं है और जो तुम चाहते हो, वो जिसके पास है उसको पीठ मत दिखाना, अन्यथा तुम जिंदगी में कभी भी वो चाही हुई वस्तु प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने एक बार जिसके पास थी उसके प्रति पीठ दिखा दी थी। इसलिए बैठने के पहले देखना, तुम्हारे पीछे कहीं तुमसे अधिक पुण्यात्मा जीव तो नहीं बैठा है, तुमसे बड़ा तो नहीं बैठा है। आपने देखा होगा, आपकी सभाओं का ये नियम है, बड़ा आदमी पीछे लेट आता है, छोटा आदमी पहले आता है, फिर भी बड़े को कहाँ बुलाया जाता है, और पीछे छोटा पहले से आके बैठा था उसको पीछे खिसकाया जाता, पीछे खिसको, अरे क्यों बैठू भाई, तो मैं पहले आया हूँ। बोले यहाँ नहीं चलेगा, बड़ा आदमी लेट भी आया है तो उसको आगे बैठा लोगे, और छोटा आदमी पहले भी आया है तो उसको सब पीछे खिसकाएंगे। अच्छे से खिसक जाओ, अच्छे से, और नहीं खिसके तो फिर क्या होता है, पर वॉलेंटियर आते उठा करके, वॉलेंटियर उठा के पीछे खिसका देंगे, वॉलेंटियर से नहीं आया तो पुलिस आ जाएगी, पीछे खिसक, अरे भाई मैं पहले आया था, मैं पहले आया था। तुम भली पहले आए हो, तुमसे बड़ा लेट आया है तो भी वो आगे बैठेगा। पहले मैं समझता था कि ये दादागिरी है, मैं इसका बहुत खिलाफ था, बहुत खिलाफ था, मैं इसी पक्ष का था, जो जिस क्रम से आएगा उसी क्रम से बैठेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। एक बार मैंने राजस्थान में मिनिस्टर को बाहर खड़ा किया, मैंने लेट आए वहीं खड़े रहो, बीच सभा में आगे नहीं आओगे। फिर मैंने सोचा कि क्या मेरा सोच सही है, बड़ा आदमी लेट भी आया है तो क्या उसको पीछे बैठना चाहिए। जब मैंने जैन दर्शन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया
सैद्धांतिक अध्ययन किया तब मुझे अपनी गलती महसूस हुई। बड़ा कितने भी लेट आएगा तो उसको आगे बैठाना, यदि सभा को बर्बादी नहीं करना है भक्तों की तो। वो तो बैठ जाएगा पीछे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे बैठने वाला भक्त तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, आगे बैठने वाले का पुण्य क्षय हो जाएगा, आगे बैठने वाले का पुण्य क्षय हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, वो बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी को छोटा आदमी पीठ दिखाए तो वो लोग पीठ दिखाने वाले का क्या होगा। चलो यही पूछता हूं, तुम मेरी तरफ पीठ कर लो, मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं? नहीं पूछ रहा, पूछने में कोई बुराई नहीं, तो अब तुम लोग मेरी तरफ पीठ कर लो, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा बोलो, शुभ का बंद होगा कि अशुभ का? नियम से अशुभ का ही बंद होगा, बड़े आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पीछे बैठ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, पीठ कर लो, लेकिन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जब ये मनोवैज्ञानिक जैन दर्शन का पढ़ा, मन की ओह ये तो बहुत बड़ी नीति है, सिद्धांत है, अपने से बड़े को कभी पीछे मत बैठाना। दुश्मन भी है तुम्हारा, लेकिन वो तुमसे किसी भी क्षेत्र में बड़ा है, उसको कहिए आइए साहब आगे बैठिए। बड़ों को आगे करने में तुम्हारा उच्च गोत्र का बंध है, और बड़ा तुम्हारी पीठ पीछे बैठ जाए तो तुम्हें नीच गोत्र का बंध है। तुमने बड़े से कह दिया आइए साहब आगे बैठिए, उस समय उच्च गोत्र का बंध होता है, और तुमने कहा कि कोई बात नहीं है तो पीछे आया है। फिर ऐसे ही तुम अमीरी गरीबी में करना, यदि तुम्हें मालूम है कि ये व्यक्ति हमसे ज्यादा अमीर है, अमीर मैं भी बनना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बन पा रहा हूं, गरीब लोगों भली तुम पहले आए हो, तुमसे अमीर आदमी कहीं तुम्हारे पीछे ना बैठ जाए, नहीं तो आज जो गरीबी है कल ये गरीबी और बढ़ेगी, क्योंकि तुमने एक बार जान करके, अनजाने की बात नहीं कह रहा हूं, जान करके तुम्हारा अमीर आदमी पीछे बैठा था, नहीं उठना आया बना है तो अमीर बना रहने दो, पहले मैं आया था, मत करना है, भले तुम पहले आए हो अमीर बैठे बैठा उसको तुम आगे कर लीजिए। मैं अमीर का सम्मान नहीं करा रहा हूं, तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बता रहा हूं। तुम लोगों की बुद्धि बहुत छोटी है, तुम यही कहोगे महाराज आप भी पैसे वालों का है, पैसे वाले को सम्मान दिला रहे हो, पैसा वाला पीछे आया तो आगे बैठा रहा, नहीं 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 महानुभाव, ये आपका सोच है, मैं तुम्हें अमीरी बनने का रास्ता बता रहा हूँ, इतना मात किया आइए साहब आप आगे बैठिए, आप मेरे से बड़े हैं, अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, करो आप, अप्रत्याशित चमत्कार होगा, अप्रत्याशित। उस अमीर को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी गरीबी दूर उसी समय से शुरू हो जाएगी जिस समय तुमने अमीर को रिस्पेक्ट दिया। और तुम्हें मालूम है कि अमीर आदमी मेरे पीछे बैठा है और तुम हैकड़ी कर रहे हो, तो वही रोड वाली याद रखो, तुम मोटरसाइकिल पर जा रहे हो और पीछे ट्रक आ रहा है, वो हॉर्न भी दे रहा है बार बार, और तुम किस हैकड़ी में हो, तुम्हें मालूम है कि ट्रक पीछे आ रहा है और फिर भी नहीं सुन रहे, तो क्या उम्मीद है वो? आखिर वो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी ज्यादा सहन नहीं करता है, छोटा आदमी को सदा सहन करना ही है, सदा सहन करता ही है, बड़ा आदमी ज्यादा सहन नहीं करता, दो मिनट में उत्तेजना आती है, बड़ा है ना, दो मिनट में बड़ों को क्रोध आता है, बड़ा है ना,
दो मिनट में मान हानि होती है, बड़ा है ना। छोटे का कभी मान नहीं होता, और बड़ों की थोड़ी मान हानि हो जाए तो वो ट्रक वाला दो तीन बार तो बजाएगा, पे पे फोन भराएगा। फिर भी उसने कहा अच्छा ये बात है, फिर क्या होता है वो तो आपको सबको मालूम है। वो एक रोड का एक ट्रक का उदाहरण अपनी जिंदगी में बैठा लो कि एक छोटी गाड़ी वाला ट्रक वाले से पीठ दिखा करके चल रहा है, अने अब अपना मिटने का दिन आ गया। इसको आप अपने व्यवहार में लीजिए, घर में ले लीजिए। यदि घर में कोई तुम्हारा तुमसे बड़ा है और तुमने यदि खड़े नहीं हुए, तुमने यदि रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम्हारे पिताजी है माँ है, उस समय आपको बहुत बहुत बड़े पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं ना, ये परंपराएं मात्र रूढ़ियाँ नहीं हैं, ये बड़ों का सम्मान नहीं है। बड़ों का सम्मान नहीं है ये तो कहने में आ रहा है, सत्य ये है कि स्वयं को सम्मानित होने का रास्ता है, मार्ग है। जो दूसरों का सम्मान करता है कल उसे सम्मान मिलता है, कल जो दूसरों को आगे करता है वो स्वयं आगे होता है। तुमने गरीब को रिस्पेक्ट दिया, कल तुम्हारी गरीबी अमीर को दिया, कल तुम्हारी अमीरी चालू हो जाएगी। इसलिए दुनिया में दो बातें ध्यान रखना, आप यदि आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, कम से कम अपना मकान अमीर की बाजू में बनाना, अमीर की बाजू में बनाना। थोड़ा मानहानि होगी लेकिन बहुत सुविधाएं अपने आप मिलेंगी, क्योंकि अमीर के यहाँ की कभी लाइट नहीं जाएगी, तो तुम्हारे यहाँ अपने आप वहाँ सुरक्षा गार्ड हो, बहुत सारी सुविधाएं अपने आप, उसके यहाँ बहुत बढ़िया हरियाली होगी, गार्डन होगा, तुम तो लगा नहीं पाओगे, हवा तो मिलेगी। गुणवान व्यक्ति अपने से अधिक हो, कुछ भी प्राप्त ना हो, तुम बिल्कुल गुणहीन हो, कोई भी गुण तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, गुणवान के साथ रहना। पूज्यवर कुंदकुन स्वामी, गुणहीन व्यक्ति को तुम्हें कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, गुणहीन गुणवान के साथ रहो। चरित्रहीन चरित्रवान के साथ रहो, तुम्हारे पास कोई चरित्र नहीं है, कोई बात नहीं, तुम एक पुरुषार्थ करना, मैं तो कोई चारित्र पालूंगा नहीं, बस चारित्रवान को मत छोड़ना, उसके साथ रहो, बहुत फायदा है। चारित्रहीन भी यदि चारित्रवान के साथ रहता है, मिट्टी का घड़ा भी यदि घी के साथ रहता है तो वो घड़ा भी घी का घड़ा हो जाता है। यदि तुम्हारे सब लोग चारित्रवान हैं तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ इज्जत तो मिलेगी, ये उस चरित्रवान का बेटा है, कोई ना कोई तुम्हें उठा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, बेटा शराब पिए नाली में पड़ा था, कोई ने उठाया नहीं, एक व्यक्ति ने कहा अरे ये तो मेरे सेठ जी का लड़का है, ओहो वो तो मेरे नगर का देवता है, दानी है, भगवान का भक्त है, अरे रात में पानी भी नहीं पीवे, छना पानी पीता है, उस सेठ का लड़का है, गंदा है, शराब पिए है, किसलिए उठाने का मन हो गया? क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति का बेटा है, अच्छे व्यक्ति। देखो अच्छा बाप होने में फायदा है, देखना तुम अच्छे नहीं हो, तुम तो गंदे हो,
तुम तो शराब पी के नाली में, लेकिन पिता अच्छा था तो कोई ना कोई उस पिता की इज्जत के कारण कोई ना कोई उठा करके तुम्हें घर पहुंचा देगा, ये देखा जाता है, देखा जाता है। कई बार लोग सहायता उसकी नहीं करते, ये अच्छे कुटुंब का व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति का है, उसको सहयोग करेगा। इसलिए तुम भले गुणहीन हो लेकिन तुम्हारा साथी गुणवान की संगति करना, तुम भले अंधे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त आंखों वाला हो। तुम अंधे हो तो चलेगा लेकिन तुम्हारा साथी आंखों वाला हो, साथी आंखों वाला। तुम अंधे हो तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तुम लंगड़े हो तो चलेगा, तुम्हारा साथी पैर वाला हो। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ जो साथी है वो तो तुम्हारे साथ आंखों वाला है ना। बस चिंता नहीं करना, तुम अंधे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भाग्यहीन हो बने रहो, भगवान को साथ में रखना। भगवान यदि साथ है, तुम भाग्यहीन हो, बहुत भाग्यहीन हो, लेकिन तुम्हारा साथ बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है। बस तुम एक ही बात का करो, मैं तो भाग्यहीन हूं लेकिन मेरा भाग्य है कि मेरा साथी भाग्यवान है। मैं भाग्यहीन हूं, मैं तो चारित्रहीन हूं लेकिन मेरा पिता चारित्रवान है। मैं गरीब हूं कोई बात नहीं लेकिन मेरा सेठ, सुनो रे गरीब लोगों, मजदूर लोगों, तुम बहुत गरीब हो, चपरासी हो, चौकीदार हो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। पर तुम एक ही बात कहना, मैं तो गरीब हूँ चौकीदार हूँ लेकिन मालूम मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है मेरा सेठ। बस इतना ही गर्व करना और कुछ नहीं करना, मेरा सेठ बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो गरीब हूँ। किसी न किसी दिन यदि सेठ महाराज के पास चला गया और महाराज ने भक्तांबर का वह श्लोक समझा दिया, भूत्या सतम यह नात्म शमम करोति, अमीर वो है जो गरीब को अपने समान बना ले, और बात अमीर से आ गई तो वो सेठ एक दिन तुम्हें अपने समान बना लेगा। पर गर्व करो अपने पे नहीं, हमारा सेठ अमीर है, हमारा पड़ोसी अमीर है, हम गुणहीन है, हमारा साथी गुणवान है। ये कोई गुणवान है तो काम चल जाएगा, पूरे घर यदि गुणहीन हो गया मामला बिगड़ जाएगा। एकाध गुणहीन है और गुणवान है, चलेगा, चल जाएगा, कहीं ना कहीं सुधार है। पूज्यवर समंतवद्य महाराज ने गजब का सिद्धांत दिया, गजब का। रत्नकर्ण श्रापकाचार लिख रहे हैं, मैंने सभी आचार्यों को देखा, सभी आचार्य कहते हैं तुम्हें धर्म करने के लिए सुधरना पड़ेगा, तुम्हें ये आचरण करना पड़ेगा, तुम ऐसी चर्या पालो, ऐसा करो। समंतभद्र महाराज ने श्रावक से कुछ कहा ही नहीं, तुम कैसे हो, तुम कैसे, कई लोग पूछते हैं भाई मैं तुमसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ, फिर तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, तुम्हारी क्या शक्ति है, तुम क्या मेरे से साथ, मेरे से संबंध बनाओगे। हर व्यक्ति, हर आचार्य यही लिख रहे हैं, तुम सम्यक दृष्टि होना चाहते हो तत्व पर सिद्धांत करो, तत्व पर सिद्धांत करो। सब कुछ करने की कहते हैं समंत भरत महाराज, जब गंदी बस्ती में पहुंचे, अच्छे लोगों को कुछ करने को कहा जाता है, गंदे लोगों से कुछ करने का मत कहना क्योंकि गंदे लोग गंदा ही करेंगे। अच्छे लोग जो होते हैं, जिनका मन पवित्र है, जिनकी इंद्रियां पवित्र हैं, जिनकी दृष्टि पवित्र है, जिनके हाथ पवित्र हैं, जिनका सब कुछ पवित्र है, जो सारे जगत में अच्छे माने जाते हैं, उन लोगों को कुछ करने की कहना
बोले अच्छे लोगों से कुछ करने को कहोगे तो क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा? क्योंकि क्योंकि वो अच्छा है। ज्ञानी से कहोगे वो ज्ञानी आएगा, ध्यानी से कहोगे वो ध्यान करेगा, चारित से कहोगे चारित करेगा। अच्छे लोग कोई भी काम करने के पहले, कुछ काम करवाना है किसी से, तो पहले देखो कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा है, उससे कहो कि तुम ये काम करो, उससे कहो कि तुम मोक्ष मार्ग पे चलो, उससे कहो कि तुम मंदिर आओ, वो मंदिर को गंदा नहीं करेगा। तुम गंदे आदमी से कह रहे हो मंदिर आओ, वो मंदिर और गंदा कर देगा। गंदा आदमी यदि मंदिर में आएगा तो क्या होगा भाई? अशुद्ध आदमी शुद्ध के बीच में आएगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए समंत्र भद्र महाराज ने कहा ये अच्छे लोग नहीं है, ग्रस्त में रह रहे हैं, सब पाप करेंगे, तुम लाख उपाय करो, ग्रस्ती बिना पाप के हो ही नहीं सकती, तुम कितने ही समझा देना, रेस से तेल निकालना, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन ग्रस्ती पाप से मुक्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सारे जमीन पे आ सकते तारे, पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ज्ञानार्णव में कहते हैं, सारी दुनिया में पूरा सब कुछ हो सकता है, कोयला कभी सफेद नहीं हो सकता और ग्रस्त कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता, कोयला कभी साफ नहीं हो सकता, कितने प्रयास करो कितने धो लेना वो साफ नहीं होगा, ग्रस्त कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। बाह्य पाप तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, अरे कुछ नहीं करेगा तो कपड़ा तो पहनेगा, परिग्रह तो आ ही जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो ऐसा कौन सा ग्रस्त है जो 24 घंटे में 5 पापों में से उसे कोई ना कोई पाप न करना पड़े और वो ग्रस्त रहना रहा है, हो ही नहीं सकता। 24 घंटे में कोई ना कोई ऐसा कृत्य होता है, तुमसे हिंसा होती है, चलाकर होती है, बुद्धिपूर्वक होती है, अबुद्धिपूर्वक नहीं, तुम्हें मालूम है कि इसमें हिंसा है फिर भी तुम वह कार्य करते हो। किसान को नहीं मालूम कि किसानी में हिंसा है, नहीं मालूम, मालूम है फिर भी वो हल, आपको नहीं मालूम कि अग्नि जलाने में हिंसा होती है, चूल्हा जलाओगे कि नहीं, ग्रस्त हो, अरे अपने लिए नहीं जलाओगे तो महाराज को तो जलाओगे, चौका कहां से लगाओगे, बन नहीं सकती तुम्हारी, अग्नि जलाना ही पड़ेगा तुम्हें, बिना छना पानी भरना पड़ेगा, बाद में छानोगे पहले तो पानी बाल्टी जाएगी, तुम्हारी हवा सब झाड़ू लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, गृहस्थी पाप से रहित हो ही नहीं सकती, ये निश्चित मानना। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट लिखा ग्रस्त को शुद्ध का अवकाश ही नहीं है, वो सदा शुद्ध था है और रहेगा, शुद्ध का अवकाश ही नहीं, स्पष्ट कह दिया अवकाश भी नहीं, अवकाश का अर्थ एक क्षण को भी कोई ग्रस्त शुद्ध नहीं हो सकता, निरंतर उसे अशुभ की क्रिया करना पड़ता, क्योंकि परिग्रह जहां है वहां पांचों पाप कुछ ना कुछ रूप में होते। इसलिए निर्णय कर लेना, समंत्र भद्र महाराज बहुत फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, गजब की खोज। पूज्यवर को मैंने जब उनकी कृति पढ़ी तो बहुत बार थी, जब समझी कुंदकुंद स्वामी ने जो कुछ भी वर्णन किया, जो कुछ भी कहा, वो अच्छे लोगों से कहा। कुंदकुंद स्वामी अच्छे लोगों के गुरु थे, कुंदकुंद स्वामी अच्छे लोगों के गुरु थे जिन्होंने सब प्रकार का पाप छोड़ दिया,
सब प्रकार की हिंसा छोड़ दी, संकल्पी भी विरोधी भी, सब प्रकार का झूठ छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी, कुशील छोड़ दिया, सब प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया। उनके गुरु थे कुंद कुंद भगवान, उन्होंने जो कुछ भी लिखा सब उनको लिखा, समय सार पूरा अच्छे लोगों के लिए लिखा जो पाप से मुक्त हो गए। बार बार वो अपने समय सार में मुनि साधु श्रवण को संबोधन कर रहे हैं। अच्छे लोगों का अर्थ जैन दर्शन में मुनि, मुनि महाराजों के गुरु हैं संबंध कुंद कुंद भगवान, उनको उपदेश दिया उन्होंने, तुमसे कुछ उम्मीद है, तुम ये काम करो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम ध्यान में बैठो, तुम अच्छे आदमी हो, अच्छा ध्यान करोगे, तुमसे ध्यान की बात नहीं कही, क्यों, तुमसे ध्यान की करेंगे तुम गंदे आदमी हो, क्या ध्यान करोगे, एक माला तो फिरती नहीं है, एक माला में कितने बार मन बाहर जाता है बोलो ना आप लोगों का, हैं? बहुत बार जाएगा, कितना भी पढ़ो गृहस्थ का मन कभी भी एकाग्र हो नहीं सकता, कितना भी प्रयास करे उसका मन कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, उसका मन जाएगा। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गयो चारो वेद, जब सुधाई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। कितने ही कर लेना, कितने ही कर लेना, तुम जैसे ध्यान में बैठोगे उसी समय कोई आ ही जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, कोई विकल्प आ जाएगा, विकल्प आ जाएगा, हो नहीं सकता ग्रस्त के। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा मैं गंदे लोगों को उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि ये गंदे लोग हैं, मेरा दिया हुआ भोजन भी गंदा, सरल कर रहा हूं, आपके हाथ में कटोरा है, बहुत बढ़िया खीर बनाई है किसी ने, बहुत बढ़िया, और आपने कहा मुझे दीजिए, उसने कटोरे में देखा उसमें कचड़ा था, वो कहेगा साहब कचड़े में तो नहीं दूंगा, कि बोले मैं कचड़ा साफ कर नहीं सकता, तो खीर बनाने वाला कहता मैं खीर दे नहीं सकता, बोले तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है आप तो दीजिए, बोले नहीं जब खाओगे तो बदनाम, तो क्योंकि कचड़ा कंकड़ आएगा ना तो बदनाम तो तुम खीर को खड़ोगे, तुम कटोरा साफ कर नहीं सकते, कुंद कुंद स्वामी अपनी खीर परोस नहीं सकते, इन दोनों के संबंध में ग्रस्त कभी कचड़ा साफ करेगा ही नहीं, सर्वघाती प्रकृति बैठी करोगे क्या, तुम प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान सर्वघाती बैठा है, जिसको ग्रस्त कभी टाल नहीं सकता, कितनी भी ताकत लगा दे कुछ भी कर ले, उसकी सर्वघाती जो प्रकृति है जो कचड़ा है वो कचड़े से रहित हो ही नहीं सकता, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति है ग्रस्त में है तो तीन सर्वघाती में से दो तो पक्की हैं, सम्यक दृष्टि हुआ तो क्या हुआ, वृत्ति हुआ तो क्या हुआ, प्रत्याख्यान वर्णी तो है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं नहीं, मैं कुछ करवाना चाहता हूं, मुझे वो वर्कर चाहिए जो कुछ करे, मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसको मैं जो कहूं वो करे, मैं चाहता हूं कि मन में ऐसा ध्यान करे, मुझे पवित्र मन चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कौन मेरे समय सार का अधिकारी होगा, कौन जिसका देश शुद्ध हो, गंदे देश में नहीं होगा मेरा समय सार, मैं गंदे देश का गुरु नहीं हूं, मिलेक्ष खंडी नहीं हूं, आर्य खंडी चाहिए, पहले पहली शुद्धि देखना कुंद कुंद भगवान की, मुझे देश शुद्ध चाहिए, देश कुल जाई शुद्धा, आर्य खंडी होगा वही मेरा, आर्य खंड के बाद उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, उच्च कुलीन चाहिए,
नीच कुल वाले के लिए मैं नीच कुल वालों का गुरु नहीं हूं, मैं उच्च देश उच्च कुल वाला हूं। और उच्च कुल में भी जिसका वंश पूरा उच्च हो, और फिर जाकर के स्वयं अपने आप में ऊंचा हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसकी दृष्टि पवित्र हो, जिसकी दृष्टि पवित्र हो, जो दृष्टि बुरा ना देखती हो, जिस दृष्टि में बुरा नहीं दिखता हो, जिसकी आंख बुरी नजर ना हो, वो कुंद कुंद का चेला बन सकता है, कुंद कुंद की खीर खा सकता है। देख लिए कहाँ खाना अध्यात्म है। और कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तेरी आंख गंदी तो नहीं है, क्योंकि गंदी आंख से गंदा ही दिखेगा, गंदी आंख से गंदा ही दिखेगा। और मेरा जो स्वरूप मैं दिखाना चाहता हूं वो गंदा नहीं है। और गंदा आदमी देख लेगा तो वो भी गंदा कर देगा। गंदा आदमी, तेरे कान गंदे तो नहीं है, मेरी वाणी सुनना चाहता है, पहले बोल मेरी वाणी शुद्ध है, पवित्र है, अच्छी है, जिन कानों से जाएगी वे कान तेरे गंदे तो नहीं है। बोलो महानुभाव, स्वच्छ पानी भी यदि गंदी नाली से जाएगा तो? कुंद कुंद भगवान कहते मेरी शुद्ध वाणी तेरे गंदे कानों में से जाएगी तो मेरी वाणी गंदी हो जाएगी, क्योंकि गंदे कान गंदा ही सुनते हैं। तेरी वाणी तेरे मुख में, तेरी वाणी से तेरा समय सार उच्चारण मत करना। मेरे समय सार की उच्चारण करने वाली गाथाओं को पढ़ने वाले पहले बोल तेरा मुंह गंदा है कि सही है, क्योंकि गंदे मुख से गंदी ही वाणी निकलती है, अच्छे मुख से मुख चंद्र ते अमृत जन है। जग सोहित कर सब अहित हर मुख चंद्र ते वाणी। मुख इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, अच्छे पवित्र मुख से पवित्र बात निकलती है। मेरे समय सार को छूना है, छूना मत। बोल तेरे हाथ गंदे हैं क्या? इन हाथों से 24 घंटे में तूने कौन से पाप किए हैं? पाप किए हैं गंदे गंदे हाथ। अच्छी स्वच्छ वस्तु को भी छू लेंगे तो हाथ स्वच्छ हो जाएंगे कि स्वच्छ वस्तु भी गंदी हो जाएगी? गंदे हाथ यदि स्वच्छ वस्तु को छुएंगे तो शायद हाथ स्वच्छ हो जाएंगे, स्वच्छ भी गंदी हो जाएगी। मेरी बंद खीर गंदी हो जाएगी तू छू लेगा तो? अशुद्ध आदमी शुद्ध को छू लेगा तो अशुद्ध शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध ही अशुद्ध होगा। तेरे हाथ कैसे है, तेरे पैर कैसे हैं, तेरा द्रव्य कैसा है, तेरी गुण कैसे हैं, तेरी पर्याय कैसी है, तेरा सुबह कैसा है, तेरा दोपहर कैसी है, तेरी शाम कैसी है, तेरी रात कैसी है? क्या समझ रखा है मजाक? जब पूरे शरीर का परीक्षण हो गया, तेरा सब कुछ शुद्ध है, फिर कहते हैं ये बता तेरी सुबह कैसी है, तेरी सुबह कैसी है, तेरी दोपहर कैसी है, तेरी शाम कैसी है, तेरी रात कैसी है? क्योंकि 24 घंटा जिसका पवित्र है, स्वच्छ है, वह स्वच्छ ही करेगा। और 24 घंटे में तेरा एक क्षण को भी गंदा है, एक क्षण को भी गंदा है, एक क्षण को भी तू गंदा होता है, एक क्षण भी तेरा गंदा है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 16 बन्नी में 15 बन्नी नहीं चलेगा, नकार दिया उन्होंने। 15 बन्नी से चोखा है, उन्होंने कहा नहीं, एक बन्नी खोटा है, एक मिनट भी यदि तुम्हारा गंदा है तो तुमसे गंदगी ही निकलेगी, तुम गंदा ही कार्य करोगे। इसलिए उन्होंने कहा
24 घंटे में कोई मिनट गंदा तो नहीं है तेरा, कोई समय तू गलत तो नहीं करता है? 24 घंटे में कौन सा समय पे तू गंदा कार्य करता है? निर्णय करो, नहीं मेरा 24 घंटे पवित्र कार्य चलता है, पवित्र कार्य चलता है। कहीं भी जाएंगे वहां धर्म साथ में रहेगा, शुशु भी करने जाएगा वहां तेरा धर्म साथ है कि नहीं? शुशु करने गया बाथरूम में, मतलब बाहर खुले मैदान, बोल वहां तेरा धर्म है साथ में? जी। उच्चार पशुवन खेल सिंघना है, साधु लघु शंका शौच करते समय भी जाता है, उस समय उसका मूल गुण उसके साथ होता है। गंदे स्थान पर भी पीछे लग रही है, गंदे स्थान पर भी देख रहा है, गंदे स्थान पर भी करुणा बरस रही है, गंदे कार्य में भी अहिंसा बरस रही है, गंदे कार्य समय देख रहा है, यहाँ घास तो नहीं है, यहाँ जीप तो नहीं है, यहाँ किसी का कोई स्थान, ये सब क्या है? कार्य गंदा करना है, लेकिन दृष्टि किस पे है? दृष्टि किस पे है? हिंसा नहीं हो जाए। गंदा कार्य हो रहा है, बाथरूम गया, शौच गया, लेकिन मन कैसा है? अहिंसा पर, धर्म पर। कोई जीव ना मर जाए, कितना पवित्र है। यानी उस करते समय भी वह पवित्र है, उस समय भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, उस समय भी वह तत्व चिंतन कर रहा है, उस समय भी करुणा टपक रही है, कोई जीव ना मर जाए। 24 घंटे तू जिस भूमि पर बैठेगा, तू जिस भूमि पर चलेगा, वो भूमि गंदी होगी या पवित्र होगी? तेरे चरण क्या इतने पावन हैं कि सारा जगत कहे जिस धूल पर ये चरण पड़ जाए वो धूल माथे पर लगा ले मैं, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वो जग तीरथ होए। क्या इतनी पवित्रता है तेरे में कि तू तेरे पैर माटी को छुएंगे और वो माटी पूजनी हो जाएगी? क्या इतने पावन पैर हैं तेरे? पूरे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अपावन वस्तु कौन सी है? पैर। किसी को पैर लग जाए तो, हाथ लग जाए तो धक्का, कोई ज्यादा अवमानना नहीं है, पीठ लग जाए तो अवमानना नहीं, टोनी लग जाए तो भी, लेकिन पैर लग जाए तो सबसे निम्न स्थान है पैर। क्या ये पैर भी इतना पवित्र है कि लोग उसके चरण पर डालें तो वो गंधदक हो जाए? इतने पैर तेरे पावन है क्या? तो फिर मैं तेरी, मेरी जो शुद्ध वस्तु है वो तेरे पास जाएगी तो शुद्ध ही रहेगी, गंदी नहीं होगी। सब तरफ से जो तुझे छूले पवित्र हो जाए। तेरी काया ऐसी है, देह परस्त हो या पावन, तुझे जो छुएगा वो अपवित्र हो जाएगा। मैं नहीं दूंगा अपनी शुद्ध वस्तु, तुझे जो भी छुए, जो भी छुए वो पवित्र हो जाए। पानी छुए तो गंधोदक बन जाए, हवाएं छुए तो पावन हो जाए, माटी छुए तो तीरथ बन जाए, जो तुझे छुए वो सब पावन हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति को गंदी वस्तु भी छुएगी, पापी भी छुएगा, जल पापी है, स्थावर नाम कर्म है, लेकिन महाराज को छूने पर वह गंधोदक बन जाता है। जो पानी छूने लायक नहीं था वो पानी मुनिराज भी सिर पर धारण कर लेते हैं। ये पावनता क्या तेरे में है? इतनी पावनता है कि सबसे बड़ा पापी हमारी सभी कर्म प्रकृतियों में, सभी जीवों में सबसे बड़ा पापी जीव है स्थावर नाम कर्म। डाकी नहीं, कीड़े मकूड़े नहीं, ये तो पुण्यात्मा। ये तो त्रस है। सबसे बड़ा पापी जीव दुनिया में है स्थावर। क्या तेरे में इतनी पावनता है
कि वो सबसे बड़ा पापी स्थावर जीव तुझे छुए और जगत में पावन बन जाए। स्थावर जल है, तुझे छूने पर गंदा बनेगा या गंदोदक। जिसके शरीर को छूने पर जल गंदा हो जाता है वो कुंद कुंद स्वामी की खीर का आनंद नहीं ले सकता। सीधा सीधा सिद्धांत बनाओ, जिसके शरीर को छूने पर जल पापी भी गंदोदक बन जाता है वो उस पवित्रता को पाने वाला है। इतना पवित्र हो क्या तू? इतना है जिस जमीन पर बैठ जाए निषद का पूज के ही वो आत्मा जिस पर बैठ जाए। अभी बताते हैं हमारे पूज्य आचार्य महाराज बिहार करते हुए 2-3 साल पहले की घटना है। रास्ते में एक पत्थर पर बैठ गए, सामान पत्थर था, ठोला यूं पड़ा था। आचार्य से बैठने के बाद वो इतना पावन बन गया कि लोग उसके लाखों की बोली लगा डाले। बोली लग गई वहां, बोली लगी। लेकिन जिसने था उसने कहा, लोगों ने खूब कहा 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। कि कोई मकान बालक था उसका, हाँ जो भी है, उसने कहा ये पत्थर तो नहीं दूंगा, ये पत्थर तो अनमोल हो गया। और इस पत्थर पे वो खुद ही पैर रखता था, नीचे पड़ा था। और वो पत्थर को उसने बताते हैं कि वो पत्थर के प्रतिदिन नमस्कार करता है। ये वो पत्थर है जो एक ऐसी पवित्र आत्मा ने छुआ है कि वो पत्थर भी पावन बन गया, पत्थर भी पावन बन गया। ये है सब क्या? यही है महानुभाव। इसलिए मैंने तो निर्णय लिया है कुंद कुंद भगवान अच्छे लोगों के गुरु हैं, पवित्र पावन लोगों के गुरु हैं, जिनका मन वचन काय शुद्ध है उनके गुरु हैं, जो शुद्ध सोला में रहता है उनके गुरु हैं। मुझे गर्व है कि वो मेरे गुरु हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? मुझे तो गुरु मिल गया। और बेटा ये भी ध्यान रखना, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन सुने। अब हमें तो मिल गया, अब तुम्हारी तो आवाज। और तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी, तुम लाख कोटि के हो जाओ तुम कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। अब कैसी समस्या है? नियम ही मार्शल्ला लागू है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ग्रस्त कभी शुद्ध हो नहीं सकता। ना उसका मन, ना उसका वचन, ना उसकी इंद्रियां, ना उसका धन, ना उसका परिवार, कुछ नहीं, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। जिसको भी छुएगा उसको अशुद्ध तो कर सकता है, लेकिन कोई उसे छू करके, कोई उसे छू ले वे वो शुद्ध हो जाए? असंभव। ग्रस्त के जीवन में कोई भी वस्तु छुएगा वो अशुद्ध ही होगी। जैसे जल का उदाहरण दिया, कितना भी बड़ा ग्रस्त हो, कितना भी अच्छा हो, प्रतिमाधारी हो, बोलो क्या उसके शरीर का या चरणों का स्पर्श गंदोदक बन सकता है? बनती है नहीं, क्योंकि अभी ग्रस्त है, क्योंकि परिग्रह से युक्त है, परिग्रह से युक्त है। इसलिए जहां परिग्रह रहता है उनके उनका गंदोदक नहीं बनाया जाता, जहां परिग्रह रहता है उनका गंदोदक नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनके पैरों से छुआ हुआ जल पवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिग्रह का सद्भाव है, पाप बैठा हुआ है। भाव पाप की नहीं, अभी द्रव्य पाप बैठा, द्रव्य पाप का एक धागा भी है तो वह कभी जल को गंदोदक नहीं बना सकता। एक धागा भी है, एक धागा भी है, क्योंकि वो उपाधि है और उपाधि नियम से पाप है। हवदिवाना हवदि बंदो मदम जीवेद काय चिट्टम्बी बंदो धूम विदीदो इति समणो छटिया सब्बम। किंचित मात्र भी उपाधि है, उपाधि यानी परिग्रह, उपाधि किंचित मात्र भी उपधि है
वह नियम से जो भी शरीर से स्पर्श करेगा वो पवित्र नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, चाहे वो एलक शुल्लक हो, चाहे वो आरिका हो। उसका स्पर्श किया हुआ जल गंधोदक नहीं बनेगा। पैर तो धुलेंगे, पैर तो धुलेंगे, लेकिन गंधोदक नहीं हो सकता, क्योंकि तो परिक्रमा का सद्भाव है। अब आप लोगों की बड़ी फजीती है, हमें तो गुरु मिल गया, और बहुत बढ़िया गुरु मिला। कैसा मिला है? अब तुम्हारा क्या होगा? है चिंता मत करो, है जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई तो होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई तो होता है। तुम्हारे गुरु हैं पूज्यवर शमंत्र भद्र महाराज, जो गंदे लोगों के गुरु हैं, जो पापियों के गुरु हैं, जो अशुद्ध लोगों के गुरु हैं। कुंद कुंद स्वामी के यहाँ फ्रेश माल चाहिए, और समुद्र डिस्पोजल को भी रेक एंड हैंड होता है ना, पुनः ले लेते हैं और फिर ढाल देते हैं। अंतर तो आता है दोनों में, क्वालिटी में तो अंतर आता है। एक बार यूज की वस्तु को पुनः ढालने में, लोहा को भी पुनः ढालने में कमजोर तो होता ही है, लेकिन फ्रेश लोहा भी बनता है, सेकंड लोहा भी बनता है। आजकल गंदगी को भी यूज करने लगे लोग, जो बेस्ट है उसको भी नहीं सर्कल पुनः कर रहे। समंत भद्र स्वामी कुंद कुंद स्वामी कहते मैं तो नहीं लगूँ, मेरे यहाँ तो फ्रेश माल एक बार का एक बार, उसके बाद कचड़ा। समंत भद्र महाराज ने कहा हाँ, व्यापारी होते कई लोग फ्रेश माल, और कई लोग कहते हैं वो वहाँ का जो रिजेक्टेड माल है वो यहाँ लाना, मैं कहूँ कबाड़ी बोलते। समंत भद्र महाराज ने कहा ठीक है प्रभु कुंद कुंद स्वामी, आपका फ्रेश माल ले लो, जो गंदा माल बचे उसको मैं रिफाइन करूँगा, रिसर्कल। जो बात मैं कह रहा था, गजब के समंत मध्य महाराज जब गंदे व्यक्तियों के बीच में पहुँचे, गृहस्थी की जब ये कलम उठाई, ग्रस्तों का कल्याण करने का मन बनाया, ग्रस्तों का गुरु बनने का मन बनाया, क्या गजब फिलोसफी मानवा, बहुत बहुत। जो मैं कह रहा था, तुम गुणहीन हो पर गुणवान के तुम्हारा साथी कैसा है, तुम गुणहीन हो तुम्हारा बाप कैसा है, तुम गुणहीन हो तुम्हारा कुल कैसा है, तुम गरीब हो तुम्हारा मोहल्ला कैसा है, तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारा मोहल्ला कैसा है, तुम गरीब हो तुम्हारी जाति कैसी है, तुम्हारे साथी कैसे है। कुंद कुंद भगवान ने पूरे रत्नगण सबकाचार में कुछ नहीं कहा कि तुम कैसे हो, उन्होंने कहा तुम जैसे हो तो हो, तुम्हारा भगवान कैसा है। गजब रत्नगण सबकाचार में कुछ भी नहीं बता रहा है, पूरे 40 गाथाएं सम्यक दर्शन की कह दी, एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी चर्या क्या होना चाहिए, तुम नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए, वचन कैसा होना चाहिए, काया कैसी होना चाहिए, कोई चर्चा ही नहीं, बस तुम्हारा भगवान कैसा है। भगवान की परिभाषा बनाने बैठ गए, भगवान कैसा है। मैंने इस पर सोचा, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तू तो कभी पावन बनेगा नहीं, बस एक उम्मीद है तू कितना भी पापी बना रहे तेरा भगवान कैसा है, बोलो तेरा भगवान कैसा है। मेरा भगवान बहुत पवित्र है, 18 दोषों से रहे थे, मेरा भगवान 18 दोषों से रहे थे। समंत भद्र स्वामी कहते कोई बात नहीं, कालिया का भी उद्धार हो जाएगा क्योंकि इसका भगवान पवित्र है। चेहरा कितना भी काला हो यदि दर्पण साफ है तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मैं काला, और चेहरा कितना भी साफ हो और दर्पण काला हो तो। इसलिए महानुभाव आप यदि इस मार्ग पर ना आ सकें, कुंद कुंद के चेले ना बन सकें, तो समंत भद्र महाराज का चेला जरूर बन जाना। तुम्हारा भगवान कैसा है, भगवान यदि तेरा चोखा है
तो भी मोक्ष मिले या नहीं मिले, इतना मन मान से नरक त्रयंश गति से बच जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। मान भगवान कैसा है तेरा, जिसको तू मानता है, जिसको तू नमस्कार करता है, जो तेरा भगवान, बस इतना गर्व तुम करना, मैं कैसे ही पापी हूं तो हूं, जैसे मैंने कहा था, मैं कैसे भी चरित्रहीन हूं लेकिन मेरा बाप, बोलो ना, कल कहा था मैंने, तुम पापी तुम्हारे बाप पापी, कहा था ना, दो दिन से ही चल रहा है। तो तुमने कहा था महाराज जी देखो ये, आप मेरे बाप पे मत जाइए। तो तुमने कहा, मैंने कहा नहीं, तुम पापी तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा पापी है, महाराज जी देखो आप दादा पे मत जाइए, तो पर दादा पापी है। कहाँ तक गए थे, सात पीढ़ियों का। तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा कहाँ लगा, तुम्हें मैंने पापी कहा तब बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे बाप को पापी कहा तब बुरा लगा, बोलो। बस ये है होनहार, ये है होनहार। महाराज मुझे पापी कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, मैं तो पापी हूं ही। लेकिन आप लोग कहते हो झगड़ा हो जाता, देख तूने मुझे कहा तो कहा। यही समन्द्रभद्र महाराज कह रहे हैं, यही श्रावक कह रहा है कि श्रावक तो एक दुनिया पापी कहेगी, महाराज भी कहेंगे कि तू सब पापों से भरा है, कसायों से भरा है, परिग्रह से भरा है, सब तुझे पापी कहेंगे। तुम गर्व से कहना मैं पापी हूं तो हूं, मेरा भगवान पापी नहीं है, मेरा भगवान शुद्ध है, बस इतना सा तेरे पास चाहिए। आज से महानुभाव, आपको पवित्र करने की बात नहीं कह रहा हूं, बस भगवान गंदा ना हो, भगवान सदोष ना हो, भगवान रागी द्वेषी ना हो। जिस जगह तुम मस्तक झुका रहा है वो गंदा नहीं होना चाहिए। इतना भी यदि तुमने नियम ले लिया तो जाओ तुम्हारा गंदगी में से भी उद्धार हो जाएगा और एक दिन तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे। रिसर्कल कर दिया को समन्त महाराज ने, मात इतना, अभी तो तुम्हारा देवता ही खोटा है। तुम पता नहीं कितने जैनी होंगे जिनको अभी सच्चे देव की पहचान नहीं, कहाँ कहाँ जाके धोख देते हो, कहाँ कहाँ जाके देते हो। तुम जैसे हो तो हो, कम से कम तेरा भगवान तो रागी देसी ना हो, तेरे भगवान तो खोटे ना हो, तेरे भगवान तो किसी प्रकार ना हो, ऐसे पापी ना हो। क्या भगवान की परिभाषा है, जिस भगवान को तुम्हारी नहीं कर रहा हूं, तुम तो जो कर रहे हो करो, तुम्हें तो दूध की थैया है। बस एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा भगवान कैसा है। बस जब तुम कहीं मस्तक झुकाओ, तुम्हारा मस्तक कितने पापों से भरा हो लेकिन जिसको झुका रहे हो वो पापों से मुक्त होना चाहिए, बस कोई डर नहीं। समंत भद्र स्वामी कहते हैं हो जाएगा बेड़ा पार तेरा, थोड़ा लेट होगा क्योंकि तेरा आराध्य शुद्ध है। और ये समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले कहा, मेरी भावना में यही तो पढ़ते हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब ऐसा कौन है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। आपको मेरा एक ही उपदेश है, तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, शुद्ध हो पाओ या ना हो पाओ, यदि इस पंचम काल में तुमने अपने शुद्ध भगवान को पह लिया, शुद्ध भगवान को पहचान लिया, तो भी तुम परंपरा से मोक्ष की लाइन में आ गए। अभी तो तुम्हें यही पता नहीं, थोड़ी सी परिस्थिति आ जाए पता नहीं कहाँ रागी देसी शब्द के लिए धोख देते मिलोगे, मनोतियां करते मिलोगे। कितने परसेंट कह दूं, जैनियों में 50-60% कह दूं तो कोई शायद अरिशन नहीं है, जो जैनी होकर के खोटे देवों को मानते हैं, मंदिर को भी मानते, भगवान को भी आते, खोटे देवों को मानते। अभी उनको यही पता नहीं कि चोखा क्या खोटा क्या,
तुम्हारी जहां पर थोड़ी सी मनोती पूरी हो जाए तो गधा को भी बाप कहने में नहीं चूकते हो। कम से कम एक तो कर लो महानुभाव कि हम जीवन में शुद्ध हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन मेरा देवता पवित्र है। शुद्ध पासा जरा तंक जन्मान तक महेश भया नाग द्वेश मोहस्यप्तासा समन्त्र भद्रनाथ। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अरे कुछ हमें उपदेश दो। बोले नहीं, भगवान तेरा कैसा है वो देख ले पहले। भगवान को पहचान, आत्मा को नहीं पहचानना है, स्वयं को नहीं पहचानना है। समन्त भद्रनाथ ने कहीं आत्मा को पहचानने की बात नहीं लिखी। पूरे के पूरे श्राप का चार में आत्मा का स्वरूप कैसा है वर्णन ही नहीं है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन ही नहीं है। कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे आत्मा कैसी है। शुरुआत कर रहे हैं तेरा भगवान कैसा है, शुरुआत कर रहे हैं तू कैसा भी बना रहे तेरा गुरु कैसा है। समन्त भद्र महाराज ने चेले पर आक्षेप नहीं किया, तू कैसा है ये नहीं कहा, गुरु कैसा है। तू कितना भी खोटा बना रहे गर्व करना, मैं कितना भी खोटा हूं कैसा भी हूं, लेकिन मैं भाग्यवान हूं क्योंकि मेरा गुरु चोखा है। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा। बस समन्त भद्र महाराज तुम्हारे गुरु बनकर के तुम्हें आए कि तुम कैसे भी हो तुम्हारा गुरु कैसा है। बस गुरु बताओ, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। कवि सम्मेलन होता है ना, तो एक व्यक्ति कविता पढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति उठ के आया डंडा लेकर के, तो वो कहता है कि अरे भाई क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है। बोले आप तो कविता पढ़िए, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको बुलाया है। इसी प्रकार समन्त भद्र महाराज तुम्हारे बीच में आए, अरे महाराज महाराज नाराज मत, चिंता मत करना, मैं नाराज नहीं हूँगा, मैं तो तुझसे पूछता हूँ तेरा गुरु कैसा है। गर्व से कहो मेरा गुरु, मैं कैसा भी हूँ लेकिन मेरा गुरु चोखा है। यदि ये भी सिद्धांत तुम्हारा पक्का हो गया तो तुम परंपरा से मोक्ष मार्गी हो गए। मत पढ़ो मत पढ़ो मत उतारो जीवन में, किंचित मात्र भी चारित्र मत लो, किंचित मात्र भी कह रहा हूं चारित्र मत लो। बस इतना बोल दो तुम्हारी जिनवाणी कैसी है। समय आपका हो गया। किंचित मात्र भी मैंने कहा है, किंचित मात्र भी तुम शुद्ध नहीं हो। मन भी अशुद्ध, वचन भी अशुद्ध, काया भी अशुद्ध, द्रव्य गुण पर्याय सब अशुद्ध, आंखें अशुद्ध, कान अशुद्ध, मुंह अशुद्ध, पैर अशुद्ध, हाथ अशुद्ध, सब कुछ परिवार अशुद्ध। चलो परिवार भी अशुद्ध, कुल भी अशुद्ध, जाति भी अशुद्ध। बहुत बड़ी बात, कुल देश भी अशुद्ध, कुल भी अशुद्ध, नीच कुल है, जाति भी अशुद्ध, परिवार अशुद्ध, तुम्हारा सब कुछ अशुद्ध। समन्त भद्र स्वामी कहते हैं तू मेरा चेला बन सकता है, बस इतना बता दे तेरा भगवान, तेरा गुरु, तेरा शास्त्र कैसा है। बस एक चीज आज अपन को ठानना है कि हम कैसे भी हैं हमारा देव साध गुरु खोटा नहीं होना चाहिए। जहां खोट है वहां धोख नहीं, और जहां खोट नहीं है वहां धोख देने से भी कल्याण हो जाएगा। खोट है तो धोख नहीं। क्यों कहो, तुम क्या परीक्षा करते हो, थोड़ा तुम अपना मुखड़ा देख ले रे। क्या तुम्हारा आजकल लोग कहते हैं क्या महाराज की परीक्षा करते हो, तुम कैसे हो, तो कहते ना साहब मैं तो पापी हूं। क्या कहना आजकल लोग कहते हैं शीतलाचार्य लोग, अरे तुम महाराज की परीक्षा करते हो, भगवान की परीक्षा करते हो, तुम कैसे हो, तो कहते ना साहब मैं तो पापी हूं। लेकिन मेरा गुरु पापी नहीं हो सकता, मेरा भगवान पापी नहीं हो सकता, मेरी जिनवाणी माँ कभी पापी नहीं हो सकती। बस इतना सा अपन को करना है। हम उनमें दोष नहीं देंगे, हम तो दोषों के भंडार हैं, लेकिन मेरे गुरु में एक दोष भी नहीं होना चाहिए।
मैं तो दोषों का भंडार हूँ, मेरा भगवान में एक दोष नहीं होना चाहिए, मैं तो दोषों का भंडार हूँ, लेकिन जिनवाणी माँ सदोष नहीं होना चाहिए, मेरी पुजारी सदोष हो सकता है लेकिन सदोष की पूजा नहीं हो सकती। पूजा सदोष हो सकती है लेकिन पूज्य सदोष सम्यक दृष्टि अवर सम्यक दृष्टि की सब कुछ अशुद्ध हो सकता है लेकिन पूज्य शुद्ध नहीं हो सकता। वो कहता बस पूज्य शुद्ध है, मैं अशुद्ध, मेरी पूजा अशुद्ध, मेरा सब अशुद्ध है लेकिन पूज्य शुद्ध होता है। इसलिए अब कहां पर आ गए अपन, तुम पापी तुम्हारा बाप पापी ना, तुम पापी तुम्हारा भगवान पापी। अब थोड़ा सा तिलमिला दूं थोड़ा सा, महाराज बाप तक तो फिर भी मैंने सुन लिया क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा बाप कभी कभी गड़बड़ करता है, है ना। अब मैंने किसको लाए, क्योंकि तुम बहुत बेशरम आदमी हो, तुम्हें पानी चढ़ ही नहीं रहा तुम्हें, मैंने तो अब मैं अंतम छोड़ता हूँ, सुनो रे जैनियो, तुम पापी तुम्हारा भगवान पापी। अब तो चढ़ जा रहे पानी, अब तो चढ़ जा, अब तो दावा करो, बस महाराज बस, सब कुछ ठीक हो सकता, हमारी सात पीढ़ी पापी हो सकती है लेकिन लेकिन बोलो ना, लेकिन मेरा भगवान पापी नहीं हो सकता, मेरा गुरु पापी नहीं हो सकता, मेरा सास पापी नहीं हो सकता। क्या छाती पे हाथ रखकर ये दावा कर सकते हो, क्या ये बोल सकते हो, क्या आज ये प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मेरा देवता पापी नहीं होगा। और देवता किसी, ये मस्तक किसी पापी देवता के सामने नहीं झुकेगा, मैं सब पाप स्वीकार कर लो। तो आज अपन, तुम्हारा गुरु कौन, समंत्र भद्र महाराज, जो तुमने इतनी बढ़िया वीआईपी छूट दे दी उन्होंने, कोई बात नहीं बेटा, आने दो गालियां, कहने दो महाराज को पापी है तेरा बाप पापी, कहने दो, बस तुम एक बात ध्यान रखना, धीरे से महाराज कह देना, महाराज सब कुछ पापी है, सब कुछ अशुद्ध है लेकिन मेरा भगवान शुद्ध है, मेरा गुरु शुद्ध है, मेरी जिनवाणी माँ शुद्ध है। महावीर भगवान की।